जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। जोर जोर से जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मेरी सुनिया जय माता दी। आगे वाले जय माता दी। पीछे वाले जय माता दी। 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 हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अमित राजभर ब्लॉग। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर जो कि कटरा में है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, आपको हर एक छोटी से छोटी जानकारी दूंगा। आपको दर्शन करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, RFID कार्ड कहाँ से बनेगा, किराया कितना है, आप कहाँ पे अपना बैग रख सकते हो, होटल कौन सा लेना है, छोटी से छोटी सारी बातें आपको बताऊंगा। बस लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो इस वक्त हम अपने होटल में है, आपको नीचे चलकर बताते हैं। गाइस, जाते जाते हमें जोर से भूख लग गई थी, तो हमने सामने होटल में ही रुक गया खाने के लिए। ये देखिए, सब लोग खा रहे हैं। यहाँ खाने के बाद हम लोग अब आगे चलेंगे, उसके बाद आपको सारी जानकारी देते हैं। तो हम यहाँ खाना खाने के बाद मेन रोड की ओर निकल गए। तो गाइस, गली से निकलने के बाद देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। और ये जो लेफ्ट साइड देख रहे हैं आप रास्ता, ये सीधा कटरा बस स्टैंड की ओर जाता है। यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर है। और ये जो आप राइट साइड देख रहे हैं, ये वैष्णो देवी मंदिर की ओर जाता है रास्ता। देखिए कितने लोग जा रहे हैं। यहाँ से चेक पॉइंट करीबन 200 मीटर की दूरी पे है, यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, रास्ता कुछ ऐसा है, आपको ऐसे ऊपर ऊपर जाना है और वहाँ आपको वैष्णो देवी मंदिर मिल जाएगी। और नीचे यहाँ जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, वो अर्थ क्वारी है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं यहाँ तक कैसे आना है आपको। कटरा स्टेशन जो कि यहाँ से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे है, या जम्बू स्टेशन जो कि यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पे है। कटरा स्टेशन से यह फारूक चौक सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप ज्यादा प्रीफर करें कि आपको कटरा तक ट्रेन मिल जाए, और आप यहाँ से 3-व्हीलर या व्हीलर से भी आप जा सकते हैं। अगर आपको कटरा तक की ट्रेन नहीं मिल रही है, तो आप जम्मू तवी तक भी आ सकते हैं। और यहाँ से आपको किराया 90 रुपए या 80 रुपए लगेगा, और यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप ये देख सकते हैं, पीछे जितना भी लाल कपड़ा है वो सब मन्नत मांगा गया है। अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे ये कपड़ा बांध कर अपना विश मांग सकते हैं। यहाँ पे सबकी विश पूरी होती है, और जिनकी विश पूरी हो जाती है यहाँ दोबारा आते हैं इस कपड़े को खोलने के लिए, और फिर से माता जी का दर्शन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे कपड़ा बांध के अपने विश मांग रहे हैं। ये कपड़ा आपको यहीं सामने मिल जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे की, ये माता जी का जो जय माता दी लिखा हुआ है, इसको सेल कर रहे हैं। आप यहाँ से 10 रुपए में ले सकते हैं, 10 रुपए का एक मिलता है, और यहाँ पे आप बांध कर अपने आगे की चढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बता दें कि RFID कार्ड कहाँ से बनेगी। तो आपको यहाँ कटरा का चौक पे आना है, आप यहाँ कटरा के बस स्टैंड भी आ सकते हैं। तो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इसी के अंदर आप बनता है। ये देखिए, यहाँ से आप बना सकते हैं। इसके लिए मैंडेटरी आधार कार्ड आपको लाना ही पड़ेगा, आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, आप यहाँ से बना सकते हैं। देखिए यहाँ सामने में ही है। तो गाइज, हम RFID कार्ड लेने के बाद आगे की सफर की ओर निकल गए। तो दोस्तों थोड़ी देर आगे आने के बाद देखिए यहाँ पे कई सारी दुकानें लगी हुई है, पूजा के लिए आप यहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं। जोड़ से बोलो सारे बोलो। तो फाइनली दोस्तों माता जी का जयकारा लगाते हुए हम आगे की तरफ, आगे की सफर की ओर निकल गए। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा, और यहीं पे चेक पॉइंट है। यहाँ पे आपको चेक किया जाता है, और वो ID कार्ड चेक किया जाता है, और यहाँ से आपका चढ़ाई स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ भवन की रास्ता लिखा हुआ है, रास्ता यहाँ से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप RFID कार्ड बनवा कर ही यहाँ आए, नहीं तो यहाँ से आपको फिर से लौटा दिया जाएगा। बोला जाएगा कि पहले आप कार्ड बनवा कर आइए, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। तो ये रहा दोस्तों चढ़ाई का प्रथम द्वार। देखिए कितने लंबी लाइन लगी हुई है।
सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। और जोर से जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मैंने सुनिया जय माता दी। आगे वाले जय माता दी। पीछे वाले जय माता दी। 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 भूखे हो गए जय माता दी। मां दर्शन देगी जय माता दी। वाले बुलाया जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। और जोर से जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आवाज नहीं आई जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ आने से विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखें कि आप यहाँ पे जब भी जाएं तो अल्कोहल या फिर कोई भी तरह का धूम्रपान यहाँ पे ले जाना अलाउ नहीं है। आप यहाँ पे कैमरा भी नहीं ले जा सकते हैं। आप यहाँ पे बस मोबाइल लेकर जा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का नोकीला सामान या फिर चाकू वगैरह कुछ इसके अंदर नहीं ले जा सकते। यहाँ पे सामने ही बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड है, बोर्ड में आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ लैपटॉप, टैब, वीडियो कैमरा, आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेकर जा सकते हैं, बस अपने साथ मोबाइल लेकर जा सकते हैं। तो गाइस चेकिंग होने के बाद हम यहाँ पे निकल गए हैं यात्रा के लिए। यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग वेट कर रहे हैं अपने साथी के लिए, और हम भी थोड़ा वेट कर लेते हैं जितने लोग पीछे रह गए हैं। तो सब लोग आने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपको आपके पास ये जो आईडी कार्ड है उसे आप संभाल कर रखें। जब आप रिटर्न आएंगे तो यहाँ पे आपको आईडी कार्ड जमा करनी होगी, उसके बाद यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं, बाहर निकल पाइएगा। तो गाइज पूरी जोश में हम आगे की सफर की ओर चल पड़े हैं। तो देखिए आगे चलकर आपको दो रास्ता मिलेगी, एक पुराना रास्ता है और एक नया रास्ता है। तो हम नए रास्ते में जाएंगे, बहुत सारे लोग अब नए रास्ते में ही जा रहे हैं, तो हम भी नए रास्ते में जाएंगे। देखिए यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है न्यू ट्रैक ट्रांसपोर्ट, यहाँ से आप जा सकते हैं न्यू रास्ते में। तो गाइस अगर आपको चढ़ाई करने में तकलीफ हो रही है तो आप यहाँ पे घोड़े हैं, घोड़े से भी जा सकते हैं। आपको यहाँ सामने बहुत सारी घोड़े दिख जाएगी, इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं, या फिर यहाँ पालकी दिख जाएगी, आप इससे भी जा सकते हैं। ये पालकी के लिए पहले बुकिंग किया जाता है। ये देखिए ये सामने पे बुकिंग वाला है, यहाँ पे वेट के हिसाब से आप देख सकते हैं कितना प्राइस लगेगा। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके आप अपना वेट के हिसाब से देख सकते हैं कितना प्राइस लगेगा और कौन से जगह जाने के लिए कितना प्राइस है, सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। जब आप माता के दर्शन के लिए चढ़ाई करेंगे तो आपको रास्ते में कई सारी दुकानें और रेस्टोरेंट मिलेगी जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। इतनी सारी वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है, तो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको वही दिखाऊंगा। तो दोस्तों चढ़ाई के दौरान आपको किसी भी अगर मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए तो आपको यहाँ पे 24 आवर मेडिकल सपोर्ट भी मिलेगी, और हर एक जगह आपको टॉयलेट का भी सुविधा मिल जाएगा। तो दोस्तों अब 2 घंटे की चढ़ाई हो गई है, ज़्यादा अब नहीं है, पके नहीं है, बहुत फुल एनर्जी है, देख सकते हैं फुल एनर्जी है। थोड़ा चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है लेकिन बहुत मज़ा भी आ रहा है। माता दी, माता का नाम लेते रहिए, चलते रहिए। देखिए दो पीछे आ रहे हैं भैया भाभी, और बहुत मज़ा इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे ही साथ बने रहिए, अब 2 घंटा हो गया हम लोग को चलते चलते, आगे वीडियो ऐसे ही दिखाएंगे, अब बस हमारे साथ बने रहिएगा। जय माता दी, जय माता। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं चरण पादुका मंदिर है, ये जो अर्धकुंवारी है उससे पहले पड़ता है। तो देखिए रास्ते में आपको बहुत सारी मार्केट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यह सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं ये चरण पादुका मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। इसके अंदर सारे देवी देवताओं की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी।
सबसे पहला दर्शन आपको यहीं करना है, उसके बाद आपको आगे की सफर की ओर चलना है। भाई ये वो जगह है जहाँ पे देवी माता ने बच्चे रूप में भैरव बाबा से बचकर भाग रही थी, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर भैरव बाबा को देखा था और जहाँ पर उन्होंने पीछे मुड़कर भैरव बाबा को देखा था वहाँ पे उनके चरणों के निशान बन गई थी, इसीलिए इस जगह को चरण पादुका मंदिर बोला जाता है। दोस्तों दर्शन करने के बाद हम आगे की सफर की ओर निकल गए। तो दोस्तों आपको ऐसे ही मनोरंजन के लिए आपको बीच हर एक रास्ता में आपको ढोल मिल जाएगा। किस तरह अंदर स्टार्ट हो गया, और देखिए जो बूढ़ी दादी है, देखिए जो दादी है थक नहीं रही है और बहुत नॉन स्टॉप चल रही है, इनके पास बहुत काफी एनर्जी है देख सकते हैं। देखिए लेकिन पर ये थक गई है तो बोल रहे कम से कम दादी से कुछ सीखो, मोटिवेट हो जाओ, और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये तीसरा घंटा हो गया वैष्णो माँ के पास जाने का। तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं अर्धकुंवारी माता के मंदिर। तो दोस्तों यहां आने में लगभग हम लोग को 3 घंटा का समय लग गया है, हम लोग रास्ते में एंजॉय करते आ रहे थे, आपने तो देखा ही होगा। तो अब हम अर्धकुंवारी माता के मंदिर बस पहुंचने वाले ही हैं। तो दोस्तों हर जगह आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आराम करने की या फिर सोने की व्यवस्था मिल जाएगी। अगर आप पैसे देकर रूम बुक करेंगे तो आपको उससे अच्छा रूम मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइस देखिए यहाँ पे सामने वेटिंग हॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको शौचालय और वेटिंग हॉल सारी चीज़ की व्यवस्था मिल जाएगी। देखिए कितने सारे लोग इंतजार कर, मतलब बैठ के आराम कर रहे हैं। जो यात्री रहते हैं यहाँ पे आकर आराम करते हैं, और आपको यहाँ पे बगल में ही भोजनालय मिल जाएगा फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं। आपको जगह जगह भोजनालय का व्यवस्था मिल जाएगा। यहाँ देखिए अर्धकुंवारी भोजनालय है। गाइस इस भोजनालय में आपको पैसे देने पड़ेंगे, कैश काउंटर से आपको का टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे खाना मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों हम अर्धकुंवारी जो माता है यहाँ पहुँच रहे हैं, और हमें यहाँ पे आने में लगभग कितना ज्यादा 3 से 3.5 घंटा लगा। तो गाइस यहाँ अर्धकुंवारी माता के दर्शन करने के बाद करीबन 2-2.5 घंटे चलने के बाद हमें बहुत जोरों की भूख लग गई थी, तो हमने यहाँ रास्ते में ही छोले भटूरे खाने लगे। हेलो गाइस फाइनली अब हम पहुँचने वाले हैं अपने मंजिल की ओर। आप देख सकते हैं भवन बस 2 किलोमीटर बाकी है। इतने देर की सफर में हम बहुत थक चुके हैं लेकिन हार नहीं माने हैं। अगर आप लोग भी आते हैं तो बस हार मत मानिए, माता जी का नाम लीजिए और निकल चलिए, मोटिवेट करिए, आप जरूर पहुंचेंगे। हम लोग नॉन स्टॉप आए हैं देख सकते हैं, और बस 2 किलोमीटर है और यहाँ पहुंच के ही मानेंगे। चलिए आगे मिलते हैं मंदिर।
टाइम हम लोग का 9:30 हो रहा है। तो गाइज अब हम आ गए हैं वैष्णो देवी माता का ये जो मंदिर है उसके उस एरिए के अंदर में। यहाँ पे देखिए कई सारी दुकानें और स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, यहाँ से आप पूजा के लिए प्रसाद ले सकते हैं या फिर आपको कुछ खाना पीना है तो आप यहाँ से खा पी कर जा सकते हैं। तो गाइज यहीं आपको सामने लेफ्ट साइड में लॉकर मिल जाएगी, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं और सबको पर्सनल लॉकर मिलता है। आप वहाँ से पहले अपने RFID कार्ड को दिखाकर आप वहाँ से चाबी ले सकते हैं और वहाँ पे अपने सामान वगैरह रख सकते हैं, उसके बाद आप दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। फाइनली गाइज हम दुर्गा भवन अब पहुँच ही गए हैं, यहीं से मेन द्वार है दर्शन के लिए। आपको यहीं से अंदर जाना है, यहाँ से आप अपने साथ कोई भी सामग्री लेकर जा नहीं सकते, मोबाइल फोन भी आपको ले जाने की अलाउ नहीं है। गाइज यहाँ आने में करीबन हम लोग को 6 घंटे लग गए हैं, तो चलिए गाइज हम दर्शन करके उसके बाद आपको मिलते हैं। तो गाइज देखिए ये रहे हमारे भैया भाभी निकल चुके हैं दर्शन के लिए। यहाँ पे पहुँच कर बहुत खुशी हो रही है कि आखिरकार हमने अपनी चढ़ाई पूरी कर ली। तो देखिए यहाँ पे जयकारा लगाते हुए सब आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइज अब चलते हैं हम लोग दर्शन करने। अभी तक के लिए बस इतना ही, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।